हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आज की क्लास पॉलिटिक क्लास, विगत क्लासों में मैंने देखा कि एक्ट के बाद चार्टर एक्ट, एक्ट पे एक्ट आते गए ब्रिटेन का। इसी कड़ी में आज जो हमें चार्टर एक्ट पढ़ना है वह 1813 चार्टर एक्ट। ब्रिटेन द्वारा यह जो चार्टर एक्ट आता है इसमें स्पेशल रूप से केवल आप ये समझेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि 1773 में जब कंपनी बना के भेजी गई थी तो वह याद रखिएगा एकाधिकार के रूप में आई थी। एकाधिकार मतलब क्या होता है? सवाल यह है, एकाधिकार मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि केवल केवल स्पेशल केवल एक ही इरादा होगा, एक ही मत होगा, एक ही अधिकार के रूप में आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी प्रकार से यह अनवरत रूप में ब्रिटेन वाले क्या किए, भारत को शिकंजे में धीरे धीरे राजनीतिक रूप में शासन प्रशासन के तौर अपना उन्होंने क्या किया, चेंज करते हुए कड़ा से कड़ा मोहरा बनाते चले गए। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं आज की कड़ी, आज का जो चार्टर है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चार्टर वही होता है, पहले जमाने में, मैंने बताया कि पहले जमाने में कभी भी जब पेन कॉपी रफ ये सब नहीं हुआ करते थे तो क्या करते थे, एक बेल पत्र जैसा हुआ करता था, उसी पत्र में ताम्र पत्र पे लिख करके, या आप कह सकते भोज पत्रों पर, जो जैसा कि भोज पत्र यूज किया जाता है आप जानते हैं अच्छे तरीके से, बाबा लोग यूज करते हैं, सनातन धर्म में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो आप इतना ध्यान दीजिए कि उस भोज पत्र पे लिख करके यह पत्र भेजा जाता था, जिसे चार्टर एक्ट के नाम से जानते हैं, क्लियर। और उसे भोज पत्र पे लिखने के बाद उसे राजलेख के रूप में भी कहा गया, या आप कह सकते हैं राजपत्र के रूप में कहा गया, यानी कि राज द्वारा भेजा गया, किसी दूसरे देश द्वारा भेजा गया, उसे राज अनुमोदित कर देता था। तो फ्रेंड्स, हम इसी कड़ी में आइए चलते हैं स्टेप बाय स्टेप। आज जो है 1813 का चार्टर एक्ट। भैया ये समझिए कि जो 1813 का चार्टर एक्ट है, जैसा कि आपने देखा होगा कि जब 1773 में कंपनी आई, क्या आई, कंपनी ब्रिटेन की कंपनी आई, तो जब कंपनियां भेजी गई थी वह कंपनियां कितने वर्ष के लिए भेजी गई थी, 20 वर्ष के लिए। कहा गया कि ठीक है ये कंपनी जाएगी भारत में 20 वर्ष के लिए जाएगी, वो भी एक अधिकार दे दिया गया, क्लियर, स्पेशल रूप से एक अधिकार, केवल एक ही अधिकार है और कोई दूसरा कंपनी लेकर के व्यक्ति नहीं जा सकता, यानी दूसरी कंपनी नहीं जाएगी, केवल केवल स्पेशल रूप से एक ही जाएगी। तो यह 20 वर्षों के लिए आई थी, 20 वर्षों के लिए। अब 20 वर्ष 1773 में अगर 20 जोड़ देंगे तो क्या होगा, 1793, यह भी द्वितीय चार्टर, यानी चार्टर के रूप में यह भी आ गया, रिन्यूअल कर दिया गया। अब देखिए इसको भी रिन्यूअल करेंगे, कहने का मतलब इसमें भी 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1813 होगा कि नहीं होगा, क्लियर, ये भी चार्टर एक्ट हुआ। तो भैया ये सोचिए, ये भी चार्टर, यानी इस तरीके से 20 वर्षों तक जोड़ते चले गए। और जब ये कंपनी आई थी तो पहला चार्टर 1793 चार्टर, ये तो एक्ट बन के आया था, इसमें केवल पास किया गया, ये चार्टर एक्ट बन गया, फिर 20 साल जोड़ा गया तो क्या हुआ, 1813, फिर इसमें 20 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1833 होगा, ये भी चार्टर एक्ट ही होगा, फिर 20 साल के लिए जोड़ेंगे,
इसका मतलब इसको भी 20 जोड़ दिए तो कितना होगा 1853 होगा। ये भी चार्टर एक्ट ही होगा, लगातार चार्टर एक्ट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एक ऐसा दस्तावेज था जो भोजपत्र जैसा भेज दिया जाता था लिख करके सिंपल तरीके से। इतनी बातें समझ में आ गई थी। तो आज जो हमें पढ़ना है वह 1813 का चार्टर एक्ट पढ़ना है। क्लियर? तो इसे हम इरेज करके आगे बढ़ते हैं। अब आइए भैया, आप ध्यान दीजिएगा, जैसा कि इसके पहले कार्नवालिस गवर्नर जनरल बन के कलकत्ता में विराजमान है। क्लियर? उनको सर्वशक्ति दे दी गई कि आप चाहे, सर्वशक्ति का मतलब यह है कि सर्वशक्ति उनके नीचे जो इधर प्रांतीय एरियाज हैं उनको जब मन कहे हटा सकते हैं, उनके सदस्यों अपने सदस्यों को हटा सकते हैं, यानी गलत कार्यों के लिए। अगर वो गलत कार्य का निर्वहन कर रहे हैं तो उसको हटा सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं, बर्खास्त कर सकते हैं। इस तरीके से कार्नवालिस को वीटो पावर मिल चुका था। क्लियर? तो एक दिमाग लगाइए, इसका मतलब लगातार ब्रिटेन क्या करना चाह रहा है, केवल सिकंजे पे सिकंजा कसना चाह रहा है, यानी अपने राजनीति को एकदम कड़ा से कड़ा शासन करना चाह रहा है, भारत को एकदम दबाना चाह रहा है। और साथ साथ आपको यह भी पता चला होगा कि भू राजस्व टैक्स और दीवानी जैसे भू राजस्व वसूलने के लिए उन्होंने क्या बहुत कुछ कर डाला। कल की क्लास में मैंने बताया था, यहां तक कि 1793 की जो बात चली थी, 1793 में एक बात क्या थी कि सब कुछ खर्चा निकाल लिया, लेकिन खर्चा निकाले के बाद प्रतिवर्ष हमको क्या करिएगा, 5 लाख रुपया हमारे अनुदान में दे दीजिएगा। सब कुछ खर्च करने के बाद, लेकिन हां जो हमारे कर्मचारी हैं, हमारे कर्मचारी हैं, उनको 10% एक्स्ट्रा दे दिएगा, इसका मतलब बढ़ोतरी के रूप में दीजिएगा। ये 1793 के एक्ट में कहा गया। तो चलिए फ्रेंड्स, आइए 1813 का चार्टर एक्ट अब आप नोट करेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए, ये क्या हो गया, यह एक एकाधिकार जो कंपनी थी जो एकाधिकार की कंपनी थी मतलब एक अधिकार, क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1600 ईस्वी में 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में रानी एलिजाबेथ प्रथम ने 24 शेयर होल्डरों के साथ उस कंपनी को नवनिर्वाचित की थी, तो याद रखिए फ्रेंड्स, उन्होंने क्या किया था, एक अनुमति दी थी, कही थी अब ये आज के बाद दूसरी कंपनी भारत नहीं जाएगी, इसे एकाधिकार मिल गया था। और वही एकाधिकार आज भी कंपनी चली आ रही थी, लेकिन इसमें क्या कह दिया गया कि यह जो एक अधिकार जो कंपनी थी, उस एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब भैया सोचिए, समाप्त कर दिया गया, यहां इसका मतलब है एकदम से बंद नहीं, कुछ आंशिक रूप से बंद किया गया। आपको याद होगा कि बोस्टन टी पार्टी 1773 के आसपास अमेरिका में जो चाय के लिए अमेरिका ने क्या किया था, बंदित कर दिया था। तो उसी दौरान यह चाय का निर्यात तब भी हुआ करता था, और आज भी यह चाय का निर्यात 1813 के चार्टर एक्ट में आज भी उसके लिए एकाधिकार की अनुमति है। इसका मतलब उन्होंने क्या कहा, यह एकाधिकार जो कंपनी थी उसे आज भी 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया, रिन्यूअल कर दिया गया, 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। अब यह भी कह दिया गया कि जो एकाधिकार कंपनी है उसको ऐसा करते हैं, हम उसको समाप्त कर देते हैं। मैं नहीं कर रहा हूं, ये ब्रिटेन वासियों ने कहा, ब्रिटेन की संसद ने कहा। क्लियर?
ब्रिटेन के चीफ ने इस तरीके से कह दिया, और ब्रिटेन के चीफ ने इस तरीके से कह दिया कि एकाधिकार को हम समाप्त कर देते हैं। अब बताइए, ब्रिटेन एकाधिकार को जब समाप्त कर दिए, इसका मतलब क्या हो गया? कि अब इसका मतलब यह है कि अब चाहे छोटे छोटे व्यापारी भी व्यापार कर सकते हैं भारत जा करके। इस तरीके से अनुमति मिल गई, इतनी बात समझ गई। अब सोचिए भैया, एकर मतलब कि यह कम जो कंपनी आई थी उस कंपनी के अलावा और भी लोग जाकर के व्यापार करो, लेकिन इतना ध्यान देना है, भारत व्यापार करने के लिए भारत से व्यापार करने के लिए आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है। आप बताइए, इसका मतलब लाइसेंस भी बनवाएंगे, अब कहां से बनवाएंगे? ब्रिटेन से बनवाएंगे ना। इसका मतलब कि अगर ब्रिटेन वासी अगर लाइसेंस जिसके पास नहीं है, वह भारत के लिए व्यापार नहीं कर सकता। क्लियर? अब अगर हम छोट मोट व्यापारी हैं, चले पहले से लाइसेंस बनवाएं, भाई सही स्वभाव सी बात। अगर हमको छोटी सी बाइक चलाना है तो लाइसेंस बनवाना पड़ता, सीधी बात। तो हम किसी तरीके से भारत जाएंगे तो छोटे मोटे तो है ही है। तो एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया, लेकिन कंडीशन सुनिएगा, लेकिन अपवाद के रूप में या आप कह लीजिए, लेकिन चाय का जो व्यापार हुआ था या होता था, चाय का व्यापार जो होता था उससे या उस पर कंपनी का एकाधिकार बना रहा, इसका मतलब यह है कि चैया पे और कोई व्यापारी व्यापार नहीं कर सकते थे, और इस पे अफीम पर भी, याद रखिएगा, एकाधिकार बना रहा, अफीम पर भी व्यापार के लिए एकाधिकार बना रहा। क्लियर? इतनी बात समझ गई। अब आगे देखिए, इतनी बात तो कह दी है, और लेकिन क्योंकि आपको याद होगा कि जब 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पूरब की तरफ व्यापार करने के लिए बनी थी स्पेशल, तो उनका टारगेट था भारत से, हम यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अगर इधर जा रही है तो केवल ईस्ट इंडिया से जितने एरियाज हैं सबसे व्यापार करेंगे। तो याद रखिए, उस समय चीन से भी व्यापार हुआ करता था, चीन से भी व्यापार हुआ करता था, और आज भी होगा, लेकिन इस पर भी एकाधिकार बना रहेगा। यानी एकाधिकार किस पे बना हुआ है? चाय पर, और किस पे? अफीम पर, और किस पे? चीन पर। क्लियर? क्योंकि चीन के व्यापार से समझिए ना, चीन ही समझ लीजिए। तो चीन के व्यापार से, यानी यहां तक क्या हुआ, एकाधिकार बना रहा, बाकी सब पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।
इसका मतलब क्या कि एक आंशिक रूप से समाप्त किया गया है। क्लियर। और सुनिए कंडीशन फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं इसी कड़ी में। अगला कंडीशन क्या है? अगला कंडीशन है, इसमें ध्यान दीजिएगा, जो यूरोपियन कंट्रीज के ईसाई मिशनरी थे उनको भी अनुमति दे दी गई। लिखिए, इस चार्टर के तहत, इस चार्टर एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार के लिए अनुमति दे दी गई। भैया एक चीज बताइए, आपको याद होगा कि पुर्तगाल से द्वितीय गवर्नर के रूप में अल्बुकर्क का आया था, वह भी धर्म प्रचार के लिए भारत में निकला था। यहां तक कि आप समझिए, पुर्तगाल में अल्बुकर्क ने यह भी बात कर दिया, भारत में आकर के कह दिया कि जितने विधवाएं हैं मैं उनसे शादी कर लूंगा, ये अल्बुकर्क ने कह दिया था। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर विधवा औरत से शादी कर लेंगे, एक घर जमाई बन जाएंगे, और घर जमाई बन जाएंगे, औलाद जन्म ले लेंगे, बच्चे जन्म ले लेंगे, हमारी जनसंख्या बढ़ जाएगी और हम एक वंशज के रूप में वहां ईसाई के रूप में विकास हो जाएगा। तो यहां भी इसी तरीके से छूट मिल गई, इस एक्ट के तहत ईसाइयों को छूट मिल गई, भैया धर्म प्रचार करो। क्लियर। क्योंकि आप चाहे ये समझिए कि मुंबई जैसे सहारिया जो है दहेज मिला था, जानते ना पुर्तगाली दिए थे ना अंग्रेज को दहेज में, चाल दूती को दे दिए थे कैदमिया की शादी में, तो सेम कंडीशन भैया याद रखिए, इस चार्टर एक्ट में 1813 के चार्टर एक्ट में यह भी बात कह दी गई कि भैया ईसाई मिश्री जितने हैं धर्म प्रचार के लिए आप जा सकते हैं, प्रचार करिए। और यहां यह भी बात कह दी गई कि जितने ईसाई हैं अगर कोई गिरजाघर बना करके धर्म प्रचार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, तो भैया एक चीज बताइए, अगर इतना छूट मिल जाएगा कि गिरजाघर बनाए का अब फुर्सत मिल गया है, तो यह भी बात पकड़िए कि पुर्तगाल जब जमोरियन के पास पहुंचा था तो सबसे पहले मरियम की मूर्ति देखा था। क्लियर। अगर मरियम की मूर्ति देख लिया, और आपको पता है कि पुर्तगाली की देवी क्या है, मरियम दी है। क्लियर। तो फ्रेंड्स अब इतनी सी बात आप समझिए कि धर्म प्रचार करना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए, अगर वो गिरजाघर बनवा लिए, इतना छूट मिल गया, तो इसका मतलब छूट मिला तो कलकत्ता स्पेशल मिल गया, क्योंकि भाई उस समय कलकत्ता गवर्नर जनरल का एरिया तो था ही, तो उनको अनुमति तो ही मिलेगी ना, स्पेशल तो ही मिलेगी। ऐसा है, सबसे पहले क्या करो, कलकत्ता में ही गिरजाघर बनवा लो। और उन्होंने क्या किया, गिरजाघर लिख लीजिए, सबसे पहले
सबसे पहले गिरजाघर, गिरजाघर कलकत्ता में बनाया गया या स्थापित किया गया, या गिरजाघर की स्थापना हुई कहां हुई? कलकत्ता में, कलकत्ता में गिरजाघर की स्थापना हुई। अच्छा भैया ये बताइए, अगर गिरजाघर बन गया तो ये तो ये भी समझ सकते हैं ना कि गिरजाघरों में पुजारी जैसे होने चाहिए। तो याद रखिए गिरजाघर में पुजारी होने चाहिए, लेकिन पुजारी में एक मेन भी होना चाहिए ना। तो याद रखिएगा, एक उसमें चयनित किया गया, एक बिशप होंगे, क्या होंगे? एक बिशप होंगे और तीन क्या होंगे? पादरी होंगे। क्या होंगे? पादरी होंगे। अब सवाल उठता है कि बिशप है कौन? बिशप जो होते हैं वह, फैक्ट टू फैक्ट नोट करते जाइएगा, बिशप जो होते हैं वह ईसाई के आचार्य होते हैं। क्लियर? अब देखिए, अब अगर ईसाइयों में आचार्य अगर माना गया, बिशप अगर माना गया, इसका मतलब कि वो एक महान पुजारी हैं, उनके पास अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हैं। तो डिग्री के रूप में अगर जानना चाहेंगे तो पहली चीज, जो बिशप होते हैं उनके पास धर्मशास्त्र का पीएचडी होना चाहिए, पीएचडी होना चाहिए, और कम से कम धर्मशास्त्र में 5 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये किसमें कह दिया गया? बिशप के लिए। अब आपको ये पता चल गया कि बिशप कौन होता है। बिशप ईसाई के आचार्य होते हैं। जैसे हम सबके यहां मंदिर में संस्कृत की बाणी निकाली जाती है, मातृभाषा मुखारविंद से निकाली जाती है, तो सेम कंडीशन इसी तरीके से ईसाई के आचार्य जो होते हैं वह क्या है? धर्मशास्त्र में पीएचडी, क्लियर, होते हैं और कम से कम 5 वर्ष का उनके पास अनुभव होता है। तो आपसे पता चल गया कि सबसे पहले 1813 के चार्टर एक्ट के तहत सबसे पहले गिरजाघर स्थापना कलकत्ता में की गई। अगर कलकत्ता में गिरजाघर की स्थापना कर दी गई तो मैंने आपसे बता दिया कि वहां के मेन चीफ होने चाहिए पुजारी जैसे। अब सोचिए पादरी भी तीन होंगे, क्योंकि भैया ये बिशप महोदय हैं, बिशप आचार्य जी हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उनके भाई तीन साथ साथ होने चाहिए ना, क्योंकि इतना कार्यभार को नहीं देख सकते, तो उनके एक हेल्पर के रूप में तीन सदस्य होते हैं, और तीन सदस्य जो होते हैं वो पादरी के रूप में होते हैं, और जो पादरी होते हैं वह ईसाइयों के नेता होते हैं। तो लिख लीजिएगा, ईसाई के नेता होते हैं। इतनी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर? आगे चलिए, इसे मिटा दें। आगे देखिए, चले भैया, चलिए। अब हुआ क्या,
1813 के चार्टर एक्ट में यह सोचा गया कि जैसे कलकत्ता है, ये आप भारत बनाएंगे, मैं बनाते जाइए, ये आपका कलकत्ता है, क्लियर। कलकत्ता में आप जानते हैं कि यहां पर गवर्नर जनरल हो चुके हैं, ऑल इन ऑल सर्वे सर्वा। किसके सर्वे सर्वा? किसके हैं कि जो छोटी छोटी प्रेसिडेंसियां थी, इधर का उड़ीसा और बिहार, क्लियर, उड़ीसा और बिहार इनके कब्जे में तो पहले से चल रहे हैं। इधर ये बताया गया कि इधर जो है मद्रास और अगली जो है मुंबई, क्लियर, मद्रास और मुंबई, ये दो प्रेसिडेंसियां इनके कब्जे में हो गई, क्लियर। लेकिन इस चार्टर एक्ट के अनुमत के अकॉर्डिंग ये बात कह दी गई ब्रिटिश संसद द्वारा कि जो यहां पे मुंबई में जो गवर्नर हैं, जनरल नहीं, गवर्नर यानी प्रांतीय शासक, क्लियर, इसके भी गवर्नर जो हैं ये अपने अपने क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आदेश कर सकते हैं, नियम लगा सकते हैं, कानून बना सकते हैं, क्लियर। आगे देखिए, इतनी बात समझ गई, बिना चलिएगा। अब आप सोचिए, इतना तो उस समय लोग इंग्लिश और ये साहित्य नहीं जानते थे, तो लिखिए, नोट करते जाइएगा, 1813 में, क्लियर चलें। जैसे जब ये विस्तृत होता जाएगा, स्वभाव से बात, जब विस्तृत होता जाएगा तो ये लोग सोचेंगे इतना कार्यभार कैसे देखेंगे, तो बड़े बाबू और कलर के बारे में सोचा ही जाएगा, लिखा पढ़े करने के लिए कोई होना चाहिए भाई। तो हुआ क्या, आगे देखिए, या इसी समय शिक्षा पर जोर दिया गया, इसी चार्टर एक्ट के तहत शिक्षा पर जोर दिया गया, यानी शिक्षा के प्रचार प्रसार, प्रचार प्रसार पर जोर दिया गया। भाई ये भी सोच लिए कि अगर शिक्षा भारत में रुकनी नहीं चाहिए, क्लियर, जागरूक करना चाहिए, क्लियर। अब आप सोचिए, अगर शिक्षा का प्रचार प्रसार किया गया तो इसके लिए धनराशि भी कलेक्ट करनी होगी ना, तो उन्होंने कहा क्या, ऐसा है 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष शिक्षा पर अनुदान दिए जाएंगे, अनुदान दिए जाएंगे, क्लियर भाई। शिक्षा में तो याद रखिए विज्ञान और साहित्य, इसमें भी जोर दिया गया, या आप कह सकते हैं इसके लिए भी, फंड जुटाने के लिए काम किया गया, या आप कह सकते हैं फंड बोनस जुटाने के लिए काम किया गया। इतनी बात समझ गई, जल्दी करिए, मिटा दें फटाक से, जल्दी करिए, चलें आगे देखिए। एक चीज ये बताइए, जैसे मान लीजिए गवर्नर जनरल यहां है,
ये उड़ीसा है, ये बिहार है, ये तो इसी में समाहित हो गए। अब इसमें एक बड़ा क्या था, मद्रास, क्लियर। अगला क्या था, मुंबई। यहां पर अलग अलग सौंपे गए, ठीक है, अपना कार्यभार देख सकते हैं, लेकिन यहां के गवर्नरों को सौंप दिया गया, अपने परिषद लेकर के क्या कर सकते हैं, नियम कानून चला सकते हैं। लेकिन यह जो क्रियाकलाप करना है, जो कुछ भी करना है, यानी कि क्या करेंगे, ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेना अनिवार्य, चाहे वो गवर्नर हो चाहे ये हो, प्रांतीय गवर्नर हो, क्लियर। लेकिन किससे अनुमति लेना है, ब्रिटेन से, क्लियर। तो इस तरीके से कहने का मतलब, इसको भी सब के सब पूरा कन्वर्ट करके एक दूसरे में बांधना शुरू कर दिए। इतनी बात समझ। और सुनिए, इनका नियुक्ति भी, इनकी नियुक्ति भी कौन करेगा, ब्रिटेन से, ब्रिटेन से सबकी क्रियाकलाप होगा। इतनी बात ठीक, आगे चलते हैं। यानी मुंबई, मद्रास, ये सब बड़े बड़े जो प्रांत हैं देशी रियासतों में, यहां के जो गवर्नर भाई बिल बना सकते हैं, नियम कानून बना सकते हैं, लेकिन इनकी नियुक्ति के लिए ब्रिटेन से ही कार्यभार देखना पड़ेगा, नियुक्ति ब्रिटेन से की जाएगी। और हां, जो भी क्रियाकलाप करेंगे आप, पहले सबसे पहले कहां से अनुमति लेंगे, ब्रिटेन से। इतनी बात आ गई, आगे समझ। आगे चलिए, अब देखिए, इन्होंने यह भी कह दिया कि इस एक्ट में यह भी कह दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर ये पूछा गया कि जो शिक्षा में अनुदान के रूप में आप पैसा देंगे, शिक्षा में कलेक्ट करेंगे, तो कहां से पैसा देंगे उनको, अनुदान करेंगे तो उन्होंने कहा कि डायरेक्टली उन्होंने कह दिया, देखिए कुछ नहीं, सीधा जो भू राजस्व से निकलेगा, बड़े चलाक हैं, देख ली, बड़े चलाक हैं, स्वयं अपने तरफ नहीं देना चाहते, और जबकि चाहते तो पूरा पैसा दे देते, नहीं दिए, कहे कि ऐसा है जो भू राजस्व में जो पैसा निकल रहा है उसी पैसों में से क्या करें, कर्मचारियों को दे दें और वही शिक्षा में लगाया भी जाए, 1,00,000 रुपया प्रतिवर्ष, नियम बनाने के लिए आए खाली, बस जब समझ लें नियम बन रहा है उनका, क्लियर, खर्च एक भी नहीं करना चाह रहे। और सोचिए अगला नियम क्या लगा, एक स्थानीय कर जो होता है, स्थानीय निकाय, स्थानीय निकाय, जैसे म्युनिसिपल पार्टी जो होते हैं, म्युनिसिपल पार्टी जो होते हैं, म्युनिसिपल पार्टी में स्थानीय निकाय, जैसे चौकीदार हुआ, चौकीदार, अगला सफाई कर्मी ना, सफाई कर्मी, इनसे भी क्या किया, टैक्स लेने का काम किया, टैक्स लीजिए, सोच लीजिए, मतलब एक ऐसा किसी को छोड़ना नहीं चाह रहा, सबको एकदम बदबुआ बनाना चाह रहा। अब कुल मिला के आप इतना समझ लीजिए, सीधा अपना दिमाग लगाइए कि भारत का जितना धन है, जनता को परेशान करके उन्हीं के पैसे से उन्हीं के ऊपर शासन करिए, सीधा फंडा, उन्हीं के पैसे से उन्हीं के ऊपर शासन करिए, क्लियर। यानी अगर जो ना माने तो उसको हड़का देते थे, जबरदस्ती जबरदस्ती कर, अरे करोगे जेल डाल देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसे कर देंगे, तो बेचारे जो भी हैं सीधे साधे हो तो चलो भाई ठीक करेंगे, टैक्स नहीं देंगे तो इस तरीके से कर देंगे, हड़का के काम चला लेते थे, तो इस तरीके से होता था। अंग्रेज की कमियां देखिए, चलिए आगे देखते हैं, चलें। यानी प्रांतीय जो प्रधान होगा, सेनापति का जो चीफ होगा, वो क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रिटेन की संसद से अनुमति लेना मस्ट है। इतनी बात समझ गए। इसमें मेन टारगेट क्या था, आप इतने समझिए कि केवल केवल शिक्षा का काम उन्होंने ठीक किया है, लेकिन शिक्षा का काम किए तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि 1,00,000 रुपया खाली उसी टैक्स वसूल करके बेचारा वो किसी तरीके से अर्जन करके देगा, तो कैसे फिर अर्जन हो पाएगा, वो भी पता नहीं हिंदू पाएंगे नहीं पाएंगे, तो अपना पता नहीं ब्रिटेन करेगा नहीं करेगा, क्लियर, क्योंकि ब्रिटेन वाले खुद ही सताने आए हैं ना, सता तो रहे हैं पैसे लेकर के, अपना उन्हीं के पैसे से उन्हीं के ऊपर राज कर रहे हैं, तो इनका मेन फंडा था धन का बहिर्गमन हो जाए, यानी जितना भारत से ले जाओ बाहर निकलता रहे पैसा, सब सोचने वाली। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा 1800।
13 का चार्टर है, लेकिन कल की क्लास 1835 का जो चार्टर एक्ट होगा, क्योंकि 1813 के बाद 20 साल के लिए फिर रेन्यूअल कर दी जाएगी। जैसा कि आपने देखा कि इसमें मैंने बताया कि 1813 के चार्टर एक्ट में एकाधिकार जो कंपनी थी, कंपनी का एकाधिकार उसे समाप्त किया गया, लेकिन एक आंशिक रूप से। जैसे कि कहा नहीं एकाधिकार खत्म था, चाय अफीम और चीन के व्यापार से यह खत्म नहीं था, लेकिन याद रखिएगा 1835 के चार्टर एक्ट में, जो अगली क्लास होगी, 1835 के चार्टर एक्ट में कंपनी द्वारा मतलब ब्रिटेन द्वारा पूरा पूर्णतया कंपनी का एकाधिकार खत्म कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। आप जिसका मन करे वो आए जाए, लेकिन याद रखना परमिशन वहीं से लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो सब्सक्राइब भी, शेयर भी, कमेंट भी करते रहिए। मैं चाहता हूं जल्दी से जल्दी आप हमें लाइव लेने का अवसर दें। थैंक यू फ्रेंड्स।